सभी दोस्तों को जय सियाराम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ योग शिक्षा। योग शिक्षा में यदि हम ध्यान से योग करते हैं तो हम स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रह सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे योग परिचय। योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला तथा तन मन को निर्मल, निरोगी एवं स्वस्थ रखने की विज्ञान, स्वस्थ रखने का विज्ञान है। तो योग, योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। तो हम जानते हैं योग आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला, हम आप स्वस्थ रहें इसके लिए यह जरूरी है कि हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास दैनिक तनावों से विद्यार्थी को मुक्त कर अपनी शक्ति के व्यय से बचाता है। तो योग किसी भी उम्र के व्यक्तियों के लिए है, यहाँ पर विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए बता रहा है कि योगाभ्यास से जो दैनिक तनाव होते हैं उससे मुक्ति मिलती है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। योग एकाग्रता प्राप्ति का साधन है। तो जो योग है, योग से हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र होता है। योग विद्यार्थी जीवन को अनुशासित, सुसंस्कारित बनाकर उसकी अंतः शक्तियों को जागृत करता है। तो योग वास्तव में व्यक्तियों को सुसंस्कारित, अनुशासित बनाता है और हमारे अंदर की शक्तियों को जगाता है। कर्म के बिना मनोरथ सफल नहीं होते, किंतु इसके लिए हमें एक समुचित एवं स्वस्थ कार्यशैली अपनानी होती है और वह प्राप्त होती है योग से। कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। तो हम जो कार्य करते हैं, चाहे वह है पढ़ाई का हो, कोई बिजनेस हो या किसी को ज्ञान देने की बात हो, तो कार्य की कुशलता, हम कितने अच्छे ढंग से उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं जिससे व्यक्तियों को वह बात समझ में आ जाए, जितने अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं, वही हमारा योग है। किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचाने हेतु दृढ़ संकल्प, भावनाओं पर नियंत्रण, समर्पण और की आदि की आवश्यकता होती है। योगाभ्यास इन्हें विकसित करने की विद्या है। तो किसी भी कार्य को सफलता तक पहुंचाने हेतु दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम उससे में तन मन लगा दें जिससे उस कार्य को सफल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जब तक हम उसमें तन मन नहीं लगाएंगे तब तक हम उस कोई भी कार्य हो, इस जीवन में हम कोई भी कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। और इसी के विपरीत जब हम किसी भी कार्य में एकजुटता से लग जाते हैं, तन मन से लग जाते हैं, तो उस कार्य में देरी भले हो जाए पर, देर चाहे जो हो पर, हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमारे प्रयत्न एवं प्रयास नियमित एवं दीर्घकालीन होने चाहिए। तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, यह भी योगाभ्यास का ही फल है। तो हम
कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें लगे रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से एक ना एक दिन वह कार्य सफल होगा। इस प्रकार योग विद्या वह विद्या है जो आत्म विकास एवं आत्म शिक्षा प्रदान कर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराती है। तो योग का अर्थ ही है कि व्यक्तियों का विकास हो। इस प्रकार के व्यक्तित्व की क्षमता के कारण हम किसी भी क्षेत्र में विकास एवं प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, इसके लिए हमें निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए। अब योगाभ्यास से कुछ लोग तात्पर्य अर्थ लगा लेते हैं कि हमें सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। तो मैं व्यायाम के लिए नहीं बोल रहा हूं, व्यायाम भी एक योग है, पर हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में यदि हम मन लगाकर कार्य करते हैं तो वह भी एक योग है। हम घर बैठे योग कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो योग एक ऐसा दर्शन है जो जीवन को समग्र रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। तो योग क्या है? योग दर्शन है जिससे जीवन को संपूर्ण रूप से देखना चाहें तो हम बड़े अच्छी तरह से देख सकते हैं। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में योग ने एक परिपूर्ण और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो हमें कोई भी बीमारी हो जाती है तो आजकल हम आप देख रहे हैं कि योग के माध्यम से ही उन बीमारियों का इलाज संभव हो चुका है। विगत कुछ ही वर्षों में आरोग्य एवं व्यक्तित्व विकास के साधन के रूप में योग की लोकप्रियता पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है। तो हमने देखा है कि योग से कई भयंकर बीमारियां भी नष्ट होती जा रही हैं। तो लोकप्रिय साधन बन चुका है। इसके साथ ही पारंपरिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। योग एवं स्वास्थ्यप्रद योगाभ्यासों की लोकप्रियता के कारण योग चिकित्सा, योग विज्ञान तथा योग दर्शन में भी रुचि जागृत हुई है। वर्तमान कालावधि में प्रतिष्ठित चिकित्सा साहित्य में योग चिकित्सा के विभिन्न लाभों के विषय में अनेक शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। तो अब योग के विषय में लिपिबद्ध पुस्तकें भी तैयार हो चुकी हैं। तो उनसे हम आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है योग शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थात योग की उत्पत्ति कहां से हुई है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु में धज्ञ प्रत्यय लगाने पर बना है, जिसको जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना एवं व्यवस्थित करना इत्यादि अनेक अर्थ हैं। योग शब्द युज धातु से भी निष्पन्न है, जिसका अर्थ है समाधि, अर्थात आत्म साक्षात्कार। समाधि से तात्पर्य है चित्त की एकाग्रता। एकाग्रता की पराकाष्ठा ही योग है। एकाग्रता द्वारा ही मनुष्य विश्व चेतना से जुड़ता है और जो विश्व बंधुत्व की भावना को जन्म देता है। तो योग शब्द का अर्थ ही है कि जोड़ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बतलाया है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्डे वादिका रस्ते मा फलेश कदाचन, अपने कार्यों में लगे रहो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात कार्य करना भी
योग ही है। इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, यदि नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.